हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, जो चैप्टर 3 है 10वीं क्लास का। तो इसमें हमने देखा था कि जो Na प्लस चार्ज हो जाता है Cl, माइनस चार्ज हो जाता है क्यों होता है, उसको डिटेल में देखा था। तो इनके बीच क्या होता है कि ये माइनस है और प्लस है, हमेशा माइनस और प्लस के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। तो इन जो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसको इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस अट्रैक्शन के कारण ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो NaCl के रूप में, बल्कि ये मॉलिक्यूल के रूप में नहीं रहते, बल्कि ये Na प्लस Cl मैन कंपोजिट NaCl चार्ज के रूप में रहते हैं। ये NaCl किसी मॉलिक्यूल जैसे रहता है, उस तरह से जैसे H2 मॉलिक्यूल है, इस रूप में नहीं रहते, बल्कि ये चार्ज के रूप में रहते हैं। तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड का लेके चल सकते हैं। NaCl का लिया था हमने यहाँ पे, इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड को देख लेते हैं इसको, फिर इसके आगे हम चलेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैग्नीशियम में क्या होता है, तो इसमें Mg है और Cl है। तो मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर और क्लोरीन का 17 होता है। तो मैग्नीशियम का हो गया 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो 2 8 2 हो गया। इसका मतलब लास्ट इसका जो सेल है, यदि हम इसको इस तरह से बनाएं, तो 2 ये न्यूक्लियस है इसका, इसमें 8 और बाहर में इसके 2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ये गिव अप कर सकता है, तो ये अब हमारे पास 2 Cl है। तो यदि एक Cl हम यहां ले लें और एक Cl यहां ले लें, तो Cl का 2 8 7 होता है। तो बाहरी, यदि इसका बाहरी हम ले लें, तो 2 8 बाहरी में 7, सात हो गया। इसी तरह इसका ले ले हम, 2 8 7, 2 8 7 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑक्ट होता है, जो 8 होता है, तो इसका बाहरी कक्षा 8 होती है, 2 8 ए स्टेबल होता है, ये जैसे 2 8 8 स्टेबल होता है, इसी तरह से इसका 2 8 स्टेबल होगा। तो ये 2 आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और यहाँ पे क्या है, 2 Cl है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है और एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा। तो यहां से गया तो एक प्लस चार्ज यहां पे हो गया, यहां से गया तो एक प्लस वन यहां हो गया, तो Mg पे कितना हो गया, 2 चार्ज हो गए। और Cl है, Cl पे एक माइनस चार्ज हो गया, यहां पे एक Cl पे माइनस चार्ज यहां हो गए। तो यहां पे 2 Cl है, तो 2 Cl और इनके ऊपर माइनस चार्ज, 2 माइनस हो गए आएंगे। तो इस तरह से इस रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण Mg प्लस प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के साथ कंपोजिट फॉर्म में रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या हुआ कि ये आयनिक जो कंपाउंड्स हैं, इनका कैसे इनका मिलन होता है, इनका कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़ते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो Na था, Na क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है, इसी तरह Mg क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। तो हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्शन करके कैसे ये साल्ट तैयार करते हैं और ये आयनिक कंपाउंड के रूप में रहते हैं। तो ये तो हो गया, इसका हमने देख लिया। हम देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, NaCl बना या MgCl2 बना, या इस तरह से जो जो भी चीजें बन रही हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो बन रहे हैं, इनको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं क्योंकि आयन के रूप में रहते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है,
उसका डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज इनकी जो क्या होती है। हम कुछ चलेंगे इनका फिजिकल नेचर लेके चलेंगे, हीट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है फिर, और इनका देखेंगे कि इस तरह से कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इनका आइए देखते हैं कि जैसे कि हम यदि मान लो यहाँ पे NaCl को लिए हैं, NaCl ले लिया हमने, इसी तरह पोटेशियम, ये सोडियम क्लोराइड, ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, इसी तरह से बेरियम क्लोराइड। तो इस तरह से बेरियम का दो होता है प्लस, इसलिए यहां दो हो जाएगा, तो बेरियम क्लोराइड हो गया। तो हम इनका फिजिकल स्टेट देखेंगे यदि, तो क्या होंगे ये, तो पहले इनका जो फिजिकल स्टेटस देखेंगे, यदि हम मान लो इनका फिजिकल स्टेटस देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, पहले तो सॉलिड है, सॉलिड है, इनको हाथ से टच करेंगे क्या होंगे, सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके कारण क्या होते हैं ये हार्ड होते हैं। लेकिन इनको यदि और प्रेशर दिया जाए तो इनको ब्रेक किया जा सकता है, यदि प्रेशर दे करके इनको ब्रेक किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है इनको। तो इस तरह से हमने देखा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह की होती है। इसी तरह से यदि हम इनको हीट दें, हीट देंगे तो इनमें क्या होगी प्रॉपर्टी, तो चूंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहला फिजिकल देख लिया हमने, दूसरा इनको यदि हम मान लो इनको हम हीट दे देते हैं, यही चीजें हैं, इनको मान लो हम यदि हीट देते हैं इनको, ये बर्नर है, यदि हम इनको क्या दें, हीट दे दें, यदि हीट देंगे तो क्या होगा, यदि हीट देते हैं तो हम देखते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि ये तीसरा ले लेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि जो NaCl है या क्या पोटेशियम आयोडाइड है या MgCl2 है, कोई भी चीज है, या बेरियम क्लोराइड है, जो भी हमने एग्जांपल में पीछे लिया था, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, इसलिए इनमें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है हाई, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके कारण जो है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसी तरह हम इनको देखेंगे कि यदि हम इनको जल में डालते हैं, तो यदि हम इन जल में डालेंगे तो क्या, जल में डालने के बाद इनकी क्या स्थिति होगी, क्या ये इसमें घुल जाएंगे, क्या ये सॉल्युबल हैं या नहीं सॉल्युबल हैं, तो इस चीजों को, यदि हमारे पास ये वाटर है, जल है, जल को यदि अब यदि हम इस स्टेज को हटा दें, अब हीटिंग का हमने ले लिया, अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम इनको जल में डालते हैं तो क्या होता है, तो क्या ये सॉल्युबल है कि नहीं है, तो क्या है, सॉल्युबल है, वाटर में ये घुल जाते हैं, लेकिन ये वाटर में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ये क्या होंगे वाटर में, यदि इसकी फोर्थ क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब वाटर में घुल जाने की चीज को सॉल्युबल बोलते हैं, इन वाटर। लेकिन इनको वाटर की जगह हम केरोसिन ऑयल या पेट्रोल में रखे, तो यदि इनको वाटर की जगह हम क्या डाल दें, केरोसिन या पेट्रोल,
तीनों जगह पे यही चीज ले लें, केरोसिन या पेट्रोल, केरोसिन या पेट्रोल, तो क्या होंगे इस स्थिति में, क्या करेंगे ये नॉट सॉल्युबल होंगे, ये इसमें घुलेंगे नहीं। तो इनके इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी हो रही है। हम आगे देखेंगे कि इसमें हम एक NaCl है या कोई सोल्यूशन है तो उसको में हम यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो क्या होता है। हम यदि इसी में एग्जांपल ले लें, ये जो हमारा है यदि मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक बीकर ले लेंगे, बीकर में हम कुछ सोल्यूशन लेंगे NaCl का, ये क्या है NaCl सोल्यूशन। NaCl सोल्यूशन में हम क्या लेंगे, हम जानते हैं जब हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना होता है तो ये पॉजिटिव होगा, कैथोड होगा, एक एनोड होगा, दो चीजें लेके चलेंगे हम इसमें। तो इसमें एक हम चीज ले लेंगे, हमारे पास क्या है एक कैथोड ले लेंगे, एक एनोड ले लेंगे। तो यदि हम यहाँ पे एक कोई ग्रेफाइट ले लेते हैं और एक कोई और चीज ले ले कुछ भी, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम ग्रेफाइट को एनोड के रूप में ले लेते हैं, एनोड मतलब पॉजिटिव के रूप में। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का अब फ्लो देखेंगे, पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव का बड़ा होता है, नेगेटिव का छोटा होता है, पॉजिटिव का बड़ा होता है, नेगेटिव का छोटा होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो अब इसमें देखेंगे कि जो इसमें NaCl है, NaCl जब हम वाटर में डालते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव होगा वो ये क्या होगा, एक एनोड है, इसको हम कैथोड ले लेते हैं निगेटिव के रूप में। तो हम देखेंगे कि जो प्लस है, प्लस किधर भागेगा, ये Na है जो निगेटिव की तरफ भागेगा, प्लस है जो कि ये Cl है ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो ये एनोड है। तो इस तरह से हम जब इसमें करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यहां से जब हम फ्लो करते हैं, यहां से हम यदि स्विच लगा रखे हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस टूट जाते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और यदि हम इसमें और चेक करना चाहें तो यदि हम यहाँ पे इसमें एक बल्ब लगा दें, यहाँ पे एक बल्ब लगा दें और एक स्विच हो गया है, ये स्विच है, ये बल्ब है, तो क्या होगा बल्ब जलने लगेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो साल्ट सोल्यूशन होते हैं इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक का फ्लो हो जाता है, तो क्या होते हैं आयंस के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हैपेंस, इलेक्ट्रिक फ्लो इसमें होता है। इसी तरह से हम कुछ इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, और ये प्रॉपर्टीज किसके हैं, मेटल्स और नॉन मेटल से जो बनने वाले आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, जिसको हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया। अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद देखेंगे कि हमें कुछ जो हमें मिलते हैं चीजें, जो हमारे जैसे हमें NaCl है, MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, या कुछ और मिनरल्स किसको बोलेंगे, और ये मिनरल्स होते क्या हैं, और मिनरल्स क्या नेचुरल नेचर में, प्रकृति में या धरती में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इसको कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में आपको पता है, एलिमेंट्स जब दो या दो से ज़्यादा मिल जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, जो एक नए तरह का केमिकल कंपाउंड जो बनता है, एक न्यू होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज ही पूरी अलग हो जाती है। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो मिनरल्स हैं समुद्र में कुछ मिलते हैं, कुछ हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में मिलते हैं,
तो हम इसको देखते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और यदि मान लेते हैं कि इसमें मान लो यहाँ थोड़ा इंडिया बना देते हैं, फिर ऐसे करके ये निकलते हैं, तो ये हमारे पास अर्थ है, ये क्या है सी है, ये क्या है अर्थ है। यदि अर्थ को डिवाइड करे इस तरह से, तो इसमें क्या होती है जो ऊपरी परत होती है इसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ का क्या है ऊपरी जो पपड़ी होती है अर्थ की, इसको इस तरह से किया जाए तो वो क्या होगा क्रस्ट होगा। तो हमारे बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं इस अर्थ के, ये सेंटर है अर्थ का, सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्या होता है कि यानी कि इसके जो ऊपरी सतह होगी उसके अंदर अंदर जो होंगे बहुत सारे, यहां पे क्या पाए जाएंगे हमारे जो एलिमेंट्स होंगे या फ्रीली पाए जाएंगे या फ्रीडम होगा उनका अकेला पाया जाएगा या वो किसी न किसी कंपाउंड के रूप में पाए जाएंगे। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि कौन फ्री मिल सकता है कौन कंपाउंड के रूप में मिल सकता है। तो इस तरह से ही अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समुद्र में भी हमें मिलते हैं, जैसे NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो इस तरह से क्या जाते हैं जो ये समुद्र है इसमें भी कुछ हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इसी तरह से हम आगे और देखें तो कुछ जगह होता है जैसे क्रस्ट में होता है तो सारे जगह समान रूप में या यूनिफॉर्म रूप में नहीं पाए जाते, बल्कि ये क्या जाते कहीं कहीं पे क्या होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि इस यहाँ पे या इस एरिया में कहीं पे यहाँ पे क्या है बहुत इन रिच अवस्था में है मिनरल्स जो है, जो इन रिच अवस्था में होते हैं तो हम क्या करते हैं ये मिनरल्स जो इन रिच अवस्था में होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये चीज ये सेम है यहाँ पे या यहाँ पे हमारे क्या पाए गए इन रिच अवस्था में, इन रिच मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इन रिच जो पाए जा रहे हैं मिनरल्स, इन रिच मिनरल्स होते हैं। धरती का कोई जगह ऐसा होगा जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, तो ऐसे मिनरल्स जो इतने ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको जो मेटल्स होते हैं हम क्या करते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें बहुत मिलावट होती है, गंदगी होती है, किसी के ऑक्साइड के रूप में होंगे या सल्फाइड के रूप में होंगे, तो उनको क्या करेंगे हम अलग अलग करके इस तरह से हम प्योर मेटल निकालते हैं। तो जो ये मिनरल्स होते हैं जो, तो इनको हम बोलते हैं कि ये ओर्स हैं, ओर्स बोलते हैं। इसी ओर्स से हम क्या करते हैं कि हम मेटल्स को निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करके। तो रिच प्लेस ऑफ मिनरल्स हो गया, रिच प्लेस ऑफ मिनरल मतलब हम मेटल्स को कहां से निकालते हैं इसी मिनरल्स को, और यही मिनरल्स क्या है ओर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन कि कहां पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है और रिएक्टिविटी के आधार पर इनके कुछ क्वालिटी जो है या करेक्टरिस्टिक्स या इनके गुण इसके बारे में देखेंगे। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा था, हम एक बार रिएक्टिविटी सीरीज बना लेते हैं फिर उसी के बेस पे हम लोग रिएक्शन को देखते चलेंगे। तो हमने यहाँ पे किनारे लिख लेते हैं जैसे पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर था, रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कौन तीव्र गति से रिएक्ट करता है तो ऊपर आ जाएगा, जो सबसे स्लो गति से रिएक्ट करेगा वो सबसे नीचे चला जाएगा। तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आती है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं इसी तरह बीच में कार्बन आ जाता है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम होगा, ये उससे कम होगा, ये उससे कम होगा, जो सबसे नीचे मिलेगा वो सबसे ज्यादा कम होगा।
तो यहाँ जिंक है, Fe है, आयरन है, लेड है, तो ये हो गया। इसका रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने से हमें ये फायदा होगा कि हम ये पहचान कर पाएंगे कि कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह हाइड्रोजन है, कॉपर है, हम इसमें से कुछ एग्जांपल आगे लेके चलेंगे कि कैसे कैसे वो जो है रिएक्शन हो रहा है और उसके बारे में। HG है, पारा है, AG है, AU है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। हम इसमें से देखेंगे कि जो मिनरल्स हमने निकाला है उसमें से कौन से मिनरल किस रूप में पाए जाते हैं और उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। फिर प्लेटिनम है, AU गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पारा हो गया, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, ये क्या है सबसे ये मोस्ट और ये लीस्ट। तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे इसको हम कुछ हम एक्टिविटी सीरीज के थ्रू निकालते हैं इसमें, कैसे इसको ओर से हमें कैसे मेटल निकलेगा, इस चीज को हम देखेंगे इसमें। तो इसमें क्या होते हैं कि कुछ जैसे ये वाले हैं ऊपर वाले, ये क्या होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो बीच वाले हैं वो मॉडरेट होते हैं, बीच वाले जो हैं ये मॉडरेट होते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं ये लिस्ट होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इनको मॉडरेट लिख देते हैं। मॉडरेट मतलब बीच में। अब इसका पर्पज समझने का ये है कि जैसे कि जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो कभी फ्री अवस्था में अर्थ में नहीं पाया जाएगा, वो कभी अकेला नहीं रहेगा, वो क्या करेगा तुरंत किसी न किसी चीज से रिएक्ट कर लेगा। जो बीच वाला है ये भी रिएक्ट कर लेगा एक दो चीजों से, लेकिन जो नीचे वाले हैं ये फ्री भी मिल सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन कम करते हैं। तो इसका पर्पज बनाने का ये है। तो ये तो फ्री मिलते हैं, इसका मतलब ये लेस्ट रिएक्टिव है, इसका मतलब फ्री तो होते हैं लेकिन बट कंपाउंड में मिलते हैं। और इनका क्या होता है कि ये हमेशा कंपाउंड में ये भी मिलेंगे, इनके ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, कार्बोनेट होते हैं। ये किस रूप में पाए जाएंगे, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट के रूप में। और जो नीचे वाले हैं, नीचे वालों के बारे में, अच्छा ये इनको नीचे वालों के, नीचे वाला लिस्ट रिएक्टिव है तो ये फ्री अवस्था में भी पाया जाता है। तो इसमें जो है कि देखते हैं हम कुछ की फ्री अवस्था में पाया जाता है, साइड के ओर के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कॉपर और एजी, कॉपर और एजी जो है, कॉपर और सिल्वर, इनके भी हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, यानी इन दोनों के भी ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स मिलते हैं, कॉपर और सिल्वर के। इसी तरह से हम देखते हैं कि और चीजें हैं, और बाकी ये फ्री स्टेज में भी पाए जाते हैं, इसमें भी मिलते हैं। दूसरा क्या है, फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, ऑक्साइड्स के रूप में भी मिलते हैं, फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि हम इनका ये इस रूप में पाए जाते हैं हमारे अर्थ में। तो अब हम इनका क्या करेंगे, कोई ना कोई मेथड निकालेंगे और उस मेथड से हम इनको प्यूरिफाई करेंगे, एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करना का मतलब होता है कि जो मेटल मिला हुआ, जो हमें मिनरल्स या जो हमें ओर्स मिला हुआ है वो क्या है, बहुत ज्यादा इम्प्योर है, उसको हम क्या करेंगे कि उसमें हम प्रोसेस के थ्रू उसको रिफाइन करते जाएंगे, फिर हम उसमें से हमें जो प्योर कैल्शियम मिल जाए, प्योर हमें पोटेशियम मिल जाए, प्योर कैल्शियम मिल जाए, प्योर एल्युमिनियम मिल जाए। तो हमें ये चीजें देखनी है कि कैसे हम प्योर फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। तो हमें बेसिक पर्पज हमारा इसका यही है। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन करेंगे। इसके पहले हम देखेंगे कि ओर्स का जो मेनली जो एक प्रोसेस होता है
उसको एक चार्ट में बताया गया है, बुक्स में भी है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ओर है, कोई भी ओर क्या होते हैं, जहाँ इन रिच मिनरल्स होते हैं उसको खोद के निकाल लिया जाता है, वो एक साथ मिलते हैं तो उसमें कई चीजें होती हैं, ऑक्साइड सल्फाइड होता है, उन चीजों को बोला जाता है कि क्या है, ओर है। ओर क्या होता है, ओर में भी हम तीन स्टेज बना लेंगे, तीन स्टेज हमें पता है क्यों होगा, एक तो हाई रिएक्टिव होगा या मोस्ट रिएक्टिव, दूसरा मॉडरेट होगा बीच वाला होगा, तीसरा क्या होगा लो होगा, बहुत कम रिएक्टिव वाला होगा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव वाला होगा, इसमें जो हमें और मिलेगा इसको हम क्या करेंगे, मेल्ट कर लेंगे, इसको पिघला देंगे। पिघलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा था, जैसे KCl है या NaCl है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने से टूट जाते हैं और एक दूसरे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं और वहां जाके जमा हो जाते हैं और उसको हम निकाल के अलग कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, और इसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। इसी तरह हम मॉडरेट में देखें तो हमने देखा था कि जो मॉडरेट वाले हैं इसमें ऑक्साइड भी है सल्फाइड भी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, कार्बोनेट भी है, तो इसमें जो कार्बोनेट वाला एक होगा और एक सल्फाइड वाला होगा, एक कार्बोनेट का है दूसरा सल्फाइड का है। तो जो कार्बोनेट वाला है उसको हम कैल्सीनेशन के थ्रू निकालते हैं, क्या है ये हो गया हमें कैल्सीनेशन, और इसको कैसे करेंगे हम, रोस्टिंग के थ्रू करेंगे, ROASTING, रोस्टिंग, CALCINATI, कैल्सीनेशन और रोस्टिंग होगा। इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि हमें मिल जाएगा ऑक्साइड, मिल जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा। अब ये जो ऑक्साइड मेटल मिलेगा इसको रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम प्योर मेटल ले आएंगे। एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझेंगे कि कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, और इसको रिडक्शन कैसे करेंगे इसमें, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसी तरह यदि जो लो वाले हैं, लो वालों की क्या स्थिति होगी, इसमें सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे रोस्टिंग किया था यहाँ भी ये सल्फाइड में जो पाए जा रहे हैं, जो ये सल्फाइड मिला है इसको क्या करेंगे हम, यही प्रोसेस रोस्टिंग वाला कर लेंगे। रोस्टिंग से ही हम ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, इसी को हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के थ्रू हम प्योर मेटल पा जाएंगे। तो हम इसमें एक चार्ट के थ्रू हमने समझा कि ये होता है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो हम आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ सोल से, हमने ये पपड़ी है अर्थ की, हमने यहाँ से जो इनरिच था, वहां से हमने इनरिच जो था वहां से निकाला, हमने इसको क्या किया, डिग किया, खोदा, इसको खुदाई करके हमने यहाँ पे ढेर इकट्ठा कर लिया। इसमें जब हम ढेर इकट्ठा करते हैं तो इसमें क्या होता है, ओर हमने बना लिया, ओर हमने निकाला, इसको खदान से निकाल लिया, और के साथ साथ क्या होगा, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, सॉयल होगा, स्टोन होगा या सैंड होगा, ये सारी क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। तो ये सारी चीजों को हम बोलते हैं कि हमने क्या लिया, गैंग, GANGUE, ये क्या है, गैंग,
तो हमने ये ओर के साथ साथ सॉयल स्टोन सैंड ये सारी चीजें पाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सारी चीजें इम्प्योरिटीज भी ओर के साथ ही साथ आती हैं, तो हम इसको गैंग बोल देते हैं। यदि इसको पूछा जाए कि क्या होता है तो इसका मतलब यही होता है कि हम जब ओर को निकालते हैं तो उसके साथ साथ और भी इम्प्योरिटीज आती हैं, और भी इम्प्योरिटीज आती हैं साथ साथ में, तो इसी को बोला जाता है कि ये गैंग। तो आइए हम देखते हैं कि जो हम मेटल कैसे निकालते हैं, गैंग से हम मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये गैंग हो गया, अब गैंग से हमें मेटल निकालना है, ओर है, ओर में इसमें से हमें मेटल को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तो हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होगा कि गैंग से हम कैसे प्योर मेटल्स को निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकाल लेना कहीं से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम गैंग। तो एक्सट्रैक्शन देखेंगे, एक्सट्रैक्शन को लेके हम चलेंगे नीचे वाले से लेके चलेंगे हम, जो लेस रिएक्टिव हैं, लिस्ट हैं इसमें। तो हम लेस रिएक्टिव होते हैं तो इनको हम हीटिंग के थ्रू भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें पारा का एग्जांपल ले, और किसका, कॉपर का ले लेते हैं, और इसमें ये रिएक्शन करवाते हैं यदि हम, तो हमें क्या है, जैसे पारा का सल्फाइड मिलता है, तो पारे का सल्फाइड जो है यदि हम एयर में यदि उसको हीट करते हैं, जैसे H2S Hg पारा Hg, ये क्या हो गया, पारे का सल्फाइड हो गया, मरकरी सल्फाइड बोल देंगे इसको। फिर इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, हीट देंगे, हीट देंगे कि तो क्या मिल जाएगा हमें, पारे का ऑक्साइड मिल जाएगा HgO+SO2। तो ये पारे का ऑक्साइड मिल गया, और जो ये पारे का ऑक्साइड है इसको हम फिर से हीट करेंगे, यदि हमें पास पारे के ऑक्साइड को फिर से हमने क्या किया, हीट कर दिया, और जब हीट करेंगे तो ये क्या होगा, Hg+O2। तो ये पारा हमारा निकल गया। तो हम पारे को पाने के लिए क्या किया हमने, कि जो लेस रिएक्टिव है, पहला हमने क्या लिया है, लेस रिएक्टिव वालों को, जो लेस रिएक्टिव है, तो जो लेस रिएक्टिव है, ये जो सारे लेस रिएक्टिव है, तो इसमें हमने देखा कि हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीटिंग की इसमें, तो उसका पहला ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड को हमने और हीट दिया तो यहाँ रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हमने पढ़ा है, रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा है, ये क्या हो गया, ये पारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। अभी हमने चार्ट में देखा था कि रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू करेंगे, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस्ड का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन इससे बाहर चला गया गैस के रूप में, और पारा अलग हो गया। तो ये हमने मेटल जो पारा है हमने ये प्राप्त कर लिया यहाँ पे। इस तरह से हमने पारे को पाया। इसी तरह से हम देखेंगे कॉपर सल्फाइड है, जो यदि हम कॉपर को लेके चले, इसी तरह से सेम रिएक्शन होगा, कॉपर सल्फाइड का 2Cu2S+3O2, इसको भी हीट देंगे तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, जैसे पारे का ऑक्साइड बना था उसी तरह कॉपर का भी ऑक्साइड बनेगा, प्लस SO2 गैस निकलेगी। फिर इस कॉपर के ऑक्साइड को फिर हीट देंगे, यहाँ हीट दे रहे हैं हम, यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस है, हीट देने के बाद ये कॉपर अलग हो गया, यहाँ निकल चुके हैं,
हमने देखा कि कॉपर के ऑक्साइड को भी, कॉपर का ऑक्साइड हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ये क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, रिड्यूस्ड होके कॉपर अलग हो जाता है। हालांकि ये ऐसे सीधा नहीं होता, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर सल्फाइड के साथ ही रिएक्शन हो जाता है। पहले ये बनता है, फिर कॉपर सल्फाइड का कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, तो जो ओरिजिनल रिएक्शन है ये ऐसे होता है, जो टिकल है इसका, इसमें जो कॉपर का ऑक्साइड होगा ये कॉपर के सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा। इस तरह से कॉपर प्लस SO2 गैस बनाएगा। SO2 है, S2 है, 4 कर देते हैं इसको। तो इस तरह से कॉपर का जो है हमें ये प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो लेस रिएक्टिव है हम उसको कैसे कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं उसको हीटिंग कर रहे हैं। हीटिंग के थ्रू जो है कि हम ये जो है हीटिंग के थ्रू जो इनके सल्फाइड पाए जा रहे हैं, हम जो लेस रिएक्टिव इसमें सीरीज में है उसका हम मेटल या नॉन मेटल जो भी है, नॉन मेटल उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मेटल है, ये मेटल सारे, तो मेटल को हमने कैसे निकाला कि रिडक्शन के थ्रू, बिफोर वी है डन बाय हीटिंग, इसको हीटिंग के थ्रू हमने किया है इसको। तो हम अब आगे देखेंगे कि ये लिस्ट सीरीज वाले थे, ये वाले जो सल्फाइड ऑक्साइड्स के रूप में है, और हम देखेंगे इसके बाद जो दूसरा है कि जो उसके बीच वाले सीरीज वाले हैं जैसे ए वाला है, तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका देखते हैं बीच वाले सीरीज का। तो हम दूसरा वाला क्या निकालेंगे, मॉडरेट वाले जो हैं, तो मॉडरेट वाले जो हैं इसमें हम क्या करेंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस आया था अभी, तो रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, हम यहीं पे समझ लेंगे। तो इसको पहले रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्या करते हैं हम कि एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बीच वाला जिंक ले लिया, जिंक का सल्फाइड ले लिया, कोई जिंक सल्फाइड प्लस इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में हमने किया, तो जिंक का ऑक्साइड प्लस SO2 बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, यदि इसको बराबर करें तो ये बराबर केमिकल रिएक्शन हो गया, एक बैलेंस। तो जो है तो इस तरह से रोस्टिंग का मतलब होता है हमने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। जब एक्सेस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको हीट करते हैं, ये और क्या प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, हीट की प्रोसेस चल रही है। तो जब हम एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन को बोलते हैं जब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाए, हीट करेंगे लेकिन ये एक्सेस एयर नहीं होगी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ना होगी कि लिमिटेड होगी, तब उसको बोलेंगे हम। तो जो जिंक, जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट का यदि हीट कर देते हैं, और हीट करके हीट कैसे करेंगे, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, कैल्सिनेशन है। तो हम इससे क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, किसी कार्बोनेट को यदि हम लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें ऑक्साइड जो मिलता है, तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। रोस्टिंग होता है जब हम किसी सल्फाइड को एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें ऑक्साइड मिलता है उसका, तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं।
तो ये प्रोसेस क्या हो गया, हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो गया। इसके थ्रू हम ऑक्साइड पाते हैं। फिर ऑक्साइड का क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑक्साइड मिलेगा उस ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन किससे कर देंगे, कार्बन से कर देंगे। तो हम इसमें तीसरा प्रोसेस, पहला दूसरा तीसरा प्रोसेस क्या करेंगे कि जो जिंक के ऑक्साइड मिला इसका कार्बन के साथ रिडक्शन कर देंगे, तो जिंक अलग हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हमारा मेटल मिल गया, हमें जिंक मेटल निकालना था। तो ये कार्बोनेट के रूप में था, हमने इसको हीट कर दिया, या सल्फाइड के रूप में था तो इसको रोस्टिंग कर दिया, कार्बोनेट के रूप में कैल्सिनेशन कर दिया। तो ये, और फिर उसके बाद तीसरे प्रोसेस में हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन इसका निकल गया, इसलिए क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ा था, इस तरह से रिडक्शन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमने जिंक को प्राप्त कर लिया। जिंक कैसे मिला हमें, इस प्रोसेस के थ्रू मिला। और इसमें कौन से हैं, वो मॉडरेट वाले हैं जो कि बीच में होते हैं, और ये इससे ज्यादा और इससे कम रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह से हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेके चले, ये कौन सा था, रिडक्शन के थ्रू। एक हम बायोजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मॉडरेट ही चल रहा है, हम देखेंगे बायोजिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे हम मैग्नीज ऑक्साइड ले लेते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ यदि हीट करते हैं तो ये क्या होता है, मैग्नीज अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीज अलग हो जाएगा Al2O3, यहाँ 2 ये हो गया। हमने क्या किया इसमें कि जो मैग्नीज का ऑक्साइड का था, इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये जो ये ऑक्सीजन था इसके साथ चला गया, ये अलग हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी तरह से यदि Fe2O3 का ले ले एग्जांपल, 2 यहां पे दोनों जगह पे हीट निकलती है, यहाँ पे हम क्या कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यहाँ भी हीट दे रहे हैं, यहाँ भी हीट दे रहे हैं। ये क्या हो गया, हीटिंग प्रोसेस किया हमने, और क्या किया, ऑक्सीजन इसका भी निकल गया, तो इसका ऑक्सीजन निकल के उसके साथ जुड़ गया, ये डिस्प्लेस्ड हो गया, जो हमारा मेटल था ये क्या होता, ये डिस्प्लेस्ड हो गया, अलग हो गया। इस तरह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड या रिडक्शन मेथड जो पहले पढ़ा था, इन दोनों के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। और ये क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा हीट निकलती है इसमें, एक्सोथर्मिक होता है, तो इसलिए ऐसे ये हीट बहुत ज्यादा निकलती है, ये बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को थर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। यदि थर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल पूछे, ये थर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल भी है, जिसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, वो थर्मिक रिएक्शन हो जाता है। अब हमारे कौन से बच गए, मॉडरेट के बाद ऊपर वाले बच गए, जो टॉप रिएक्टिव होते हैं उनका हम कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे हम। टॉप रिएक्टिव वाले में क्या होते हैं कि जैसे हम यदि उनको चाहें कि रिडक्शन के थ्रू निकाल लें, जैसे सोडियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, यदि इसको हम कार्बन या हीट के प्रोसेस के थ्रू करें, हीट 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 यहाँ दे, तो ये रिएक्शन नहीं होता है, नॉट रिएक्शन, तो ये रिएक्शन नहीं होता है इसके थ्रू। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ये इनके साथ ज्यादा बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये मोर अट्रैक्टिव होता है ऑक्सीजन। जो ये एलिमेंट होते हैं, जो मेटल होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम, इनका ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू कार्बन,
इसलिए एक कार्बन से रिप्लेस नहीं हो पाते, नॉट रिप्लेस्ड, इसलिए जो है कि इसको हम कोई दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहेंगे। इससे नहीं होता तो हम क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम करते क्या है, इसमें कैसे हम सोडियम मेटल को अलग करेंगे, पोटेशियम मैग्नीशियम मेटल को अलग करेंगे, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो होता नहीं रिएक्शन, इसको हटा देते हैं। अब हमें देखना है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं कि इसमें एक तरह से सोल्यूशन ले लेंगे जिसका हमें निकालना है। यदि हम Na को निकालना है, सोडियम को, NaCl का सोल्यूशन ले लेंगे। NaCl में क्या करेंगे, जैसे फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मान लेते हैं प्लस है माइनस है, ये सोल्यूशन हमारा NaCl का। हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक एनोड ले लेते हैं, एनोड प्लस, एक कैथोड ले लेते हैं, कैथोड माइनस। हम NaCl सोल्यूशन लिए हैं, हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देंगे। तो क्या होगा कि जो इसमें क्या होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, तो जो Na प्लस होगा वो क्या माइनस की तरफ भागेंगे सारे आयन, और जो माइनस होगा वो प्लस की तरफ सारे आयन भागेंगे। तो जो एनोड पे रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जो Cl माइनस होगा इसको क्या मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है दो, तो ये इलेक्ट्रॉन दो दे देगा और दो इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे। इसी तरह इस पे रिएक्शन क्या होगा कि जो सोडियम है Na प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये सोडियम बन जाएगा। यही हमें मेटल निकालना था, ये मेटल इस तरह से जमा हो जाएगा और इसको हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेटल निकालते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, मेटल को निकालते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब इसके बाद है हम पढ़ेंगे कुछ, जो हमने मेटल्स पा लिए, मेटल्स के खान से निकाल लिए, फोर्स प्राप्त किए, उसके गैंग थे जो इसमें क्या थे, वो इम्प्योरिटीज थी साथ में उनके। अब इनको हमने जो अलग अलग तरह से थे, इनको अलग अलग तरह से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा कि इसको ऐसे निकाला जाता है इंडस्ट्रीज में। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इनकी, तो इसके थ्रू जो है कि हम पाते हैं इसको। और हम देखते हैं कि जो हमारे लाइफ में बहुत सारे जो है कि सामने आते हैं मेटल्स, उन मेटल्स में क्या होता है कि वो मेटल खराब भी हो जाते हैं। तो जो मेटल खराब हो जाते हैं, वो खराब क्यों होते हैं, कोई ना कोई उनके केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उससे वो खराब हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो हमारा अगला क्या है, कोरोजन। कोरोजन में क्या करता है कि जैसे एग्जांपल लें कि एजी है हमारा, मान लेते हैं कि हमारे पास सिल्वर है। सिल्वर क्या है, चमकदार है, व्हाइट कलर का है, सफेदी है। अब क्या होता है कि सिल्वर जो है क्या करेगा, सिल्वर है, यदि सिल्वर बहुत समय तक, लंबे समय तक रखा जाए तो ये क्या होगा कि यदि लंबे समय तक रखा जाए तो जो सिल्वर है यह H2S से रिएक्शन करता है और सिल्वर का सल्फाइड बना देता है, हाइड्रोजन गैस निकलती। सिल्वर के सिल्वर का सल्फाइड बनाता है और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। तो सिल्वर सल्फाइड का क्या होता है, यहां पे एक परत जम जाती है चारों तरफ से इसके। किसकी परत होती है, ये सिल्वर सल्फाइड की परत होती है,
सिल्वर सल्फाइड की परत जमने के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है सिल्वर सल्फाइड का। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, जो चांदी चमक रही थी वो क्या हो गई, ब्लैक हो गई। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा, क्रोजन हो जाएगा, कि मतलब जो उसका प्योर फॉर्म था उससे क्या हो गई, इसमें कोई न कोई खामियां आ गई, उसमें क्रोजन हो गया। इसी तरह से हम कापर का एग्जांपल लें, ये हमारे पास कापर है। कापर क्या करता है, साइन होता है, साइनिंग होता है, ब्राउन कलर होता है इसका, ब्राउन होता है, साइन होता है, चमक होती है इसमें। लेकिन कापर भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कापर ऑक्साइड बनता है। ये क्या करेगा, यदि हम इसको काफी लंबे समय तक छोड़ देते हैं कापर को, तो इसमें क्या रिएक्शन होगा, जो कापर होगा, कापर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कापर ऑक्साइड बनाएगा, और जो कापर ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करके कापर कार्बोनेट बनाएगा। ये कापर कार्बोनेट क्या होता है, कि ये क्या कर देता है, इसकी जो साइन है, ब्राउनिश कलर है, ये सारा खराब कर देता है। इसके कारण कापर कार्बोनेट बनने के कारण ये सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमने आयरन के बारे में पढ़ा है। तीसरा एग्जांपल यदि हम आयरन का ले लें, तो आयरन में क्या होता है, जब इस पे काफी समय से बारिश, एयर, सब कुछ इस संपर्क में रहता है, तो इसमें आयरन के ऑक्साइड बनते हैं। ये ऑक्साइड क्या करते हैं, ऑक्साइड बनने से इसपे के ऊपर क्या होगा, जंग लग जाता है, रस्ट पड़ जाता है। ये क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़े हैं हम लोग अभी पीछे, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन के कारण क्या हो जाता है, कि ये खराब हो जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कि बहुत सारे प्रोसेस हैं इस क्रोजन को रोकने के लिए, कि ये खराब हो गया तो ये प्रोसेस निकालेंगे, ये खराब हो गया तो वो प्रोसेस निकालेंगे। तो इस तरह से बहुत चीजें हम प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंशन के क्या है, हम साधारण दैनिक जीवन में अपने देखते हैं लाइफस्टाइल में, कि क्रोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिवेंट करने के लिए पेंट कर देते हैं। अब इसमें प्रिवेंशन देखें, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन में पहले क्या कर देंगे, पेंट कर देते हैं, पेंटिंग है, और क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, रिएक्शन ना कर पाए वो किसी चीज से, वाटर से, इससे ग्रीसिंग कर देंगे उसको, और क्या करेंगे, गैल्वनाइजिंग कर देते हैं। तीसरा प्रोसेस क्या है, गैल्वनाइजिंग। गैल्वनाइजिंग में हम क्या करते हैं, गैल्वनाइजिंग का भी देखेंगे। गैल्वनाइजिंग में करते हैं कि इसमें जैसे आयरन है, तो आयरन के ऊपर क्या करेंगे, जिंक का लेयर चढ़ा देंगे। तो जिंक का जो लेयर चढ़ जाता है, तो वो प्रोसेस गैल्वनाइजिंग का होता है, और उसमें जिंक का लेयर चढ़ने से वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। इसी तरह से हम एनोडाइजिंग प्रोसेस पढ़े हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस हमने पढ़ रखा है, कि किसी भी लेयर चढ़ाने की एक प्रोसेस होती है, इसको पीछे हमने डिटेल में देखा है। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस हो गया। गैल्वनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, आयरन है, जैसे ये आयरन है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिंक की लेयर चढ़ा देंगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको गैल्वनाइजिंग बोलते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, कुछ एलॉय बना लेते हैं, मेकिंग एलॉय। एलॉय क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला करके हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो एलॉय हो जाता है। तो एलॉय में हम क्या करते हैं, कि कुछ चीजें मिला देते हैं, इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू अब हम देखते हैं। अब हम ये चीजें होती हैं, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, क्रोजन को, जो चीजें खराब हो जा रही है हमारी, उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कि उसको मिला के बना देते हैं, ताकि वो एलॉय के रूप में रहती है। तो एलॉय के रूप में रहने से वो
सुरक्षित रहती है काफी लंबे टाइम तक। तो कुछ देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उसके थ्रू करते हैं। जैसे आयरन होता है प्योर फॉर्म में, आयरन क्या होता है, सॉफ्ट होता है। आयरन यदि प्योर है तो क्या है, बहुत सॉफ्ट है ये, फिर क्या होगा, यूज नहीं आएगा, क्योंकि हार्ड आयरन होगा तो यूज हो सकता है अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, आयरन के साथ जो है कि हम कार्बन को यदि 0.05% मिला दें, यदि आयरन के साथ कार्बन 0.050% मिला दें, तो ये क्या होता है, ये बहुत हार्ड आयरन हो जाता है, ये हार्ड आयरन हो जाता है। इसी तरह से यदि हम आयरन के साथ निकिल और क्रोमियम एक विशेष अनुपात में मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा स्टेस आपने पढ़ा होगा, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसका यूज हम इंडस्ट्रीज में, घर बनाने में, बहुत जगहों पे करते हैं। इसी तरह से हम देखें, यदि गोल्ड है, जो प्योर गोल्ड होता है, जो AU गोल्ड होता है, तो जो प्योर गोल्ड होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो ज्वेलरी नहीं बन पाती इससे, ये सॉफ्ट होता है, तो नॉट फॉर ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के लिए नहीं हो पाता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ न कुछ चीजें मिला देंगे। तो कुछ चीजें मिला देंगे तो हम क्या मिलाते हैं इसके साथ, या तो हम सिल्वर मिला देंगे Ag, या तो इसके साथ हम क्या मिला देंगे, कॉपर मिला देंगे। इसका मतलब, इसको हम यदि मान लो कि हमें 22 कैरेट का गोल्ड चाहिए, 22 कैरेट का यदि कोई गोल्ड है, तो इसका मतलब कि 22 ग्राम इसका 22 ग्राम AU मिला है, मतलब गोल्ड मिला है, प्लस 2 ग्राम जो है Ag मिला है, इनका 22 प्लस 2 ये हो गया 22 कैरेट के सोने का मतलब ये हुआ, या 22 कैरेट का सोने का मतलब हुआ 22 ग्राम गोल्ड प्लस 2 ग्राम कॉपर। तो 22 कैरेट का जो सोना हम पहनते हैं, जो सोना अंगूठी बनती है, इन सबों का यदि 22 कैरेट का है, तो उसका मतलब ये होता है। ये भी हमारे दैनिक जीवन की चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं है इसमें रॉकेट साइंस, इसको हमें देखना है। धीरे धीरे चीजें परिचित होती जाएंगी तो ये लर्न होती जाएंगी। इसी तरह से एक दो चीजें और हैं जो जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रश होता है, ब्रश के बारे में हमने पढ़ा होगा, तो ब्रश के बारे में आपने देखा होगा कि जैसे कि पीतल है, पीतल का हम लोग यूज करते हैं, पीतल है, इसको बोलते हैं ब्रश। ब्रश क्या होता है, इसमें होता है कॉपर और जिंक होता है, कॉपर प्लस जिंक हो जाएगा तो ब्रश हो जाएगा, मिक्स करके बनाया जाता है। इसी तरह से ब्रांज होता है, एक ब्रांज में क्या होता है, कॉपर प्लस टिन होता है, Sn, Sn को क्या बोलते हैं, टिन, कॉपर प्लस टिन होता है। तो और इसमें क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होते हैं, नॉट गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसलिए इनका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने में नहीं होता। इसी तरह से हम, लेकिन कॉपर को अलग कर ले हम, तो कॉपर क्या होता है, कॉपर से हमारे वायर बनते हैं, कॉपर वायर बनाने के काम आता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वेल्डिंग का एक होता है, एलॉय होता है, वेल्डिंग एलॉय क्या होता है, वेल्डिंग एलॉय क्या होता है, तो जो वेल्डिंग एलॉय होता है, जिसको हम सोल्जर बोलते हैं, सोल्डर को आपने देखा होगा, जो हम दुकानों पे तार को जोड़ने के लिए, टीवी बाजार जोड़ने के लिए वायर्स को यूज करते हैं, तो उसका कौन कौन से उसमें चीजें होती हैं, तो उसमें होता है लेड होता है और टिन होता है, लेड और टिन का वो होता है,
लेड और टिन दोनों मिले हुए होते हैं, उनको सोल्जर्स करने के काम आता है। तो इसमें ये होता है कि जो इनकी जो जल्दी ये गल जाते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसके कारण ये गल जाते हैं और चिपक जाते हैं तारों से तारों को। तो ये वेल्डिंग एलॉय सोल्जर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की चीजें हैं, इसको हम जैसे जैसे चीजें सामने आती है यदि थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है चीजें। चूंकि इसमें जो है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं, वैराइटीज हैं, इसलिए जो है कि इसको एक दो बार देखने से और धीरे धीरे चीजों को पहचान करने से ये हमें आसानी से तैयार हो जाएंगी चीजें। और यदि हम इसको डेली यूज में देख के तैयार करें तो और आसान हो जाएगी। जैसे हमने कभी पीतल का देखा तो उसमें हम यदि पता करें कि क्या क्या होता है उसी टाइम तो हमें याद हो जाएगा। उसी तरह ब्रांज को देखें तो पता करें तो आज याद हो जाए। सोल्जर का भी देखें हम, टिन टिन और लेड होता है। तो इस तरह से चीजें धीरे धीरे हमें तैयार हो जाएंगी। साइंस है, मजेदार चीज है, पढ़िए इसको, लर्न करिए। थैंक यू।